की खुराक है शराब पीना, मांस खाना, ताश खेलना, धन जोड़ जोड़ के धरना, कित गप्पे मारना, कित दो के बीच बनाना, सारा दिन टकड़मबाजी में रहना, तो ये मन को पसंद है। रागनी सुनना, गाने सुनना, अच्छे मंदिर विचार, चाहे सारा दिन बकवाद करें जाओ, बड़ा राजी रहेगा ये। और मन की खुराक है परमात्मा की चर्चा, दान करना, सेवा करना। तो हमने क्या कर रखा था, ये मन तो झोटा पाड़ दिया, और आत्मा की खुराक हमने दी नहीं। मन की खुराक सारी ही मन की खुराक है, एक परमात्मा की भक्ति, कथा, सत्संग के अतिरिक्त। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास एक किसान गया, कहने लगा भगवान बड़ी कोशिश करता हूं और सत्संग में आने को दिल नहीं करता और मन नहीं मानता, बहुत कोशिश करता हूं। परमात्मा ने कहा कि आप सत्संग में आते रहिए और हमने जो क्रिया आपको बताई है इसको ज्यादा कीजिए, भक्ति कीजिए, सत्संग में अवश्य आइए, सेवा कीजिए, दान कीजिए। आपने क्या किया हुआ है कि जैसे आपके दो बैल हैं, परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने किसान से कहा, किसान ने कहा हाँ जी, तो उनमें से एक बैल दूसरे बैल को से तगड़ा है, तो आप क्या करते हो जब उनको चारा चराते हो? कहने लगे जी जो एक बैल है बड़ा वो तगड़ा, वो दूसरे को खाने नहीं देता जब हम एक स्थान पर चारा डालते हैं खेतों में, तो आप क्या करते हो? गरीबदास साहब ने पूछा कि मैं उसको रस्से से टाइट बांध देता हूं और उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ देता हूं, उसको आधे से ज्यादा उसका मुंह नहीं जाने देता। तो परमात्मा कहते हैं इसी प्रकार इस मन की खुराक कम कर दे और आत्मा की खुराक ज्यादा कर दे, फिर ये दो आत्मा तगड़ी हो जाएगी, या मारे कोई ना उसने, या अपना अपना काम करेगी और उसने साथ ही रखेगी। तो ऐसे परमात्मा ने कहा इस मन को जीतने का तरीका सत्संग में ज्यादा आइए, ये आत्मा उभर जाएगी, मन मुरझा जाएगा, फिर इसकी नहीं चलेगी, फिर शर्मिंदा हो जाया करेगा आत्मा, ये बुराई सोचेगा, आत्मा धिक्कार देगी ज्ञान आधार पे, फिर ये सीधा होता चला जाएगा। तो कहते हैं कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो परमात्मा कहते हैं संखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब या चल या विनाशी, सुख का सागर सोई।